दोस्तों, पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर डॉक्टर के पद पर बैठे हुए कोई इंसान इतनी बड़ी गलती करने के रिस्क उठा ले, उसे हम किस नजरिए से देखेंगे। सिंगरौली के एक शासकीय डॉक्टर ने नौकरानी को पत्नी बना डाला, वह भी सिर्फ बीएमओ की कुर्सी छीनने के डर से। सिंगरौली के एक शासकीय डॉक्टर जो बीएमओ भी हैं, जून के अंतिम सप्ताह में बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गोल मारकर उत्तर प्रदेश चले गए, वह भी शादी समारोह में शामिल होने, साथ में पत्नी बच्चों को भी लेकर गए। अब जब वह लौट कर आए और ड्यूटी करने लगे तो उन्हें लगा कोरोना जांच करा लेना चाहिए। अब वह अगर पत्नी की जांच का सैंपल भेजते हैं तो किस आधार पर? उन्होंने पत्नी की जांच तो भेजा मगर नौकरानी के नाम पर। इत्तफाक से कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब क्या करें डॉक्टर और क्या करें नौकरानी? रिपोर्ट आते ही पूरे सिंगरौली में हड़कंप मच गया। नौकरानी ने खुलासा किया, उनकी तो कोई जांच ही नहीं हुई है। आखिर डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ में दो भतीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर यूपी के शादी समारोह से लौटकर कई मरीजों का इलाज भी कर चुके थे। अब इस लापरवाही को क्या कहेंगे जब पढ़े लिखे डॉक्टर इतनी बड़ी गलती करने लगे। हालांकि डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, मगर जिन्हें डॉक्टर के माध्यम से कोरोना मिला या मिलेगा या मिलता रहे, वह बेकसूर कहां जाएं, कहां न्याय मांगे? अधिकांश गरीब कोरोना से मर तो रहे हैं।